उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में के उत्तर में सबसे पहले हमने बताया क्या है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक महासागर, ये आपको मैंने बता चुका हूं। आर्कटिक महासागर कहां पर है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में, और दक्षिण में क्या है, मेक्सिको की खाड़ी, ये याद रखना। और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में क्या है, पूर्व में क्या है, अटलांटिक महासागर है, ये आपको ध्यान रखना। इस अटलांटिक को हम उत्तरी अटलांटिक भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। कौन सा काम महासागर कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में क्या आता है, पूर्व में आपका उत्तरी अटलांटिक है, और जबकि पश्चिम में क्या है, उत्तरी प्रशांत महासागर है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, और दुनिया का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्योंकि दुनिया का पहला महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, और तीसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 100 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो दो अलग भागों में बांटती है, और 49वीं समांतर रेखा जो है वो कनाडा और यूएसए को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। मध्य अमेरिका महाद्वीप में ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा जो शहर है, देश है, वो आपको इस मध्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस मध्य अमेरिका में, जबकि आपके इस उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में कैरिबियन सागर है, और वहां पर कुछ प्रमुख छोटे बड़े द्वीप स्थित हैं, जिन्हें हम वेस्ट इंडीज द्वीप कहते हैं, जिनमें पोर्टोरिको, बारबाडोसा, बहामास, क्यूबा और हैती, ये जो है ये द्वीप आपके वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको यहाँ पर हडसन की खाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहीं पर आपको बैफिन की खाड़ी भी आपको मिलेगी, कौन सी, बैफिन की खाड़ी, और इस द्वीप को बैफिन द्वीप कहा जाता है, बैफिन द्वीप, और यहाँ पर बैफिन की जलसंधि, यानी कि यहाँ पर एक डेविस जलसंधि आपको मिलेगी, डेविस जलसंधि, और डेविस जलसंधि जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है, आपको ये याद रखना है। बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के मध्य में स्थित है ये जलसंधि, डेविस की जलसंधि। इसके बाद में इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा में विनिपेग, अथावास्का, रेडियर जैसी प्रमुख झीलें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर होम्स नाम की, कौन सी, होम्स नाम की प्रमुख झीलें आपको यहाँ पर मिलेगी, जिनमें आपको ह्यूरान, ओरोंटियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, और दुनिया की सबसे खारे पानी की झील जो है वो कैस्पियन सागर झील है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद में मिशिगन झील जो है वो अमेरिका में स्थित है, ह्यूरान, इरी, और यहाँ पर ह्यूरान और इरी के मध्य में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। इरी और ओरोंटियो नहर जो झील है इनके मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जो दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो केरोनी नदी पर स्थित है वेनेजुएला में, और ये कहां पर स्थित है, ये कहां है, दक्षिण अमेरिका में। तो दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात, और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात जो है वो कहां पर स्थित है, केरोनी नदी पर है, जो आपके वेनेजुएला। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, साथ में आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है वो एक राकीस पर्वतमाला पर, जिसको पश्चिमी कालडेरा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही भाग है, ठीक है, और यहाँ पर उसके दक्षिण में अलास्का की खाड़ी, यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी जो प्रशांत महासागर में आती है मैक्सिको के पास में, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी जो आपके मैक्सिको के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा हडसन की खाड़ी,